दोस्तों, इसराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, मैं इसराइल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है और काफी ज्यादा विवादों में भी रहता है। आपको बता देता हूं, दरअसल इसराइल में अब सरकार किसकी बनेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसराइल में ही रिसेंटली अभी चुनाव हुए थे। जो चुनाव हुए हैं उसके अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो मौजूदा जो प्रधानमंत्री वहां के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल लिक्विड पार्टी जो कि नेतन्याहू की पार्टी है उसको सिर्फ और सिर्फ 31 सीटें मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका जो सहयोगी दल है उसको 32 सीटें। अगर टोटल की हम बात करें तो दोस्तों इनको सिर्फ और सिर्फ मिली हैं यहाँ पे 55 सीटें, जबकि नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली हैं 55 सीटें, जिसकी वजह से अब वहां पे ये कहना मुश्किल हो गया है कि सरकार किसकी बनेगी। और नेतन्याहू की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मोदी के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त माने जाते हैं। एक तरह से नेतन्याहू काफी अरसे से वहां पे इसराइल में अपना राज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब जो चुनाव नतीजे आए हैं उनसे उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नेतन्याहू की राजनीतिक पारी अब यहीं से खत्म हो सकती है क्योंकि कि दोनों धड़ों को 61 सीटें चाहिए थी वहां पे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि इसराइल की टोटल सीटों की बात करें तो वहां पे 120 सीटें हैं जिसमें से 61 सीटें जितना जरूरी हैं जो कि किसी भी दल को नहीं मिली है। नेतन्याहू वाले गठबंधन को 55 और उनके विरोधी गठबंधन को 56, यानी कि एक सीट ज्यादा मिल गई है, तो यहां से उनकी जो है मुसीबत बढ़ गई है। वहीं आपको बता देता हूं, इसराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू राजनीतिक स्थिरता का अब सामना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और आपको बता दूं, अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल में खुद की किसी की सरकार नहीं बनेगी, हालांकि अब गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता देता हूं, इसराइल प्रधानमंत्री का कहना है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ये बताया है कि उनका कहना है कि ऐसी सरकार नहीं बनाई जा सकती जो उन आतंकवादियों की तारीफ करने वाली पार्टियों के भरोसे हो जिन्होंने हमारे जवानों और नागरिकों को परेशान किया है, ये बात भी कही है। लेकिन जो दूसरा भी जो गठबंधन है धड़ है वो भी ये कह रहा है कि हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो यहां से प्रधानमंत्री जो कि नेतन्याहू हुआ उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, जो कि चुनाव अभी हुए हैं इसमें। दोस्तों, इस पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।